हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मोलालिटी। मोलालिटी जो है वो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इजी तरीका है। मोलालिटी का मतलब क्या है वो आप समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इट्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या पर kg ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एम। आप कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पर अगर आप मोलैरिटी डिफाइन करोगे तो वो कैपिटल एम होगा और अगर मोलैलिटी करोगे तो वो स्मॉल एम होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल से लैंग्वेज में आप समझिए कि मोलैलिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यही इसका कहने का मतलब है। या पर kg सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है, इसी बात को हम मोलालिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसकी फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। मोलालिटी इक्वल्स टू, ये रहा आपका मोलालिटी स्मॉल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन यहां पर सॉल्वेंट लिख दीजिए, अपॉन सॉल्वेंट और ब्रैकेट में केजी यानी कि एन केजी। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को कि कोई सॉल्यूशन होता है तो उसमें दो कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट। इन दो कंपोनेंट को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है, क्या है बोलो बच्चों, जो सॉल्वेंट है वो कंपोनेंट ए है और जो सॉल्यूट है क्या है, जो सॉल्यूट है वो क्या है मेरा, बी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा कि अगर सॉल्वेंट है तो उसका भी मॉलिकुलर वेट होगा और ऊपर से आप कितना अमाउंट ले रहे हो वो वेट होगा। सॉल्यूट में भी आपका मॉलिकुलर वेट होगा और उसका वेट कितना आप ले रहे हो मेजर करके वो भी होगा। तो चलिए एक काम करते हैं कि यहाँ पर वेट की बात करते हैं। किसकी, वेट की। तो सॉल्वेंट का वेट अगर होगा तो वेट को हम W से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए, और सॉल्यूट के केस में क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, वेट डब्ल्यू बी। अगर आप मॉलिकुलर वेट की बात करो एम डब्ल्यू, ठीक है, तो उस केस में जो सॉल्वेंट का जो है मॉलिकुलर मास होगा या मॉलिकुलर वेट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, एम ए हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्यूट के केस में क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, एम बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट है, तो यहाँ से आप मोल भी डिफाइन कर सकते हो कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना मोल है और सॉल्यूट का कितना मोल है, आप निकाल लोगे आसानी से। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स लिख लीजिए, क्या है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट के मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए, इसको क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और सॉल्यूट के केस में भी क्या लिखोगे, एन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन क्या होगा बोलो बच्चों, एम बी। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप देखिए मोलालिटी के फॉर्मूले पे आ जाइए, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि हम मोल सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के वेट से हम ज़्यादा ही फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। छोड़ने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, कलर में चेंज करता हूँ, कि हम ना वेट ऑफ सॉल्वेंट पे फोकस करेंगे और दूसरा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, मैं किस पे बात करूँगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इन दो चीज़ों पे। समझ में आ रही है बात। तो अब एक बात बताइए कि अगर आप मोलालिटी अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, एन बी, और दूसरा क्या, वेट जो है सॉल्वेंट का, तो ये रहा डब्ल्यू ए, तो आप क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए इक्वल्स टू सॉरी इंटू 1000, अगर वेट जो है वो ग्राम में दिया हुआ है तब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है वो ग्राम में गिवन होता है सॉल्वेंट, ठीक है। एक तो मोलालिटी का फॉर्मूला ये हो गया। एक और काम कर सकते हो आप कि यहाँ पे जो एन बी है ना उसकी वैल्यू एन बी की जगह आप डब्ल्यू बाई बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तब मेरे मोलालिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो देखिए, एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, यहाँ पर जो है सॉरी हाँ सो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000।
सिंपल आपने क्या किया कि यहां से जो है एन बी की वैल्यू है आपने यहां से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए अगर आपका डायरेक्टली सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है तब ये इक्वेशन फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर उन्होंने वेट और मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है तो उस केस में आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो ये मोलालिटी था एक्चुअली में, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपके जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए, ठीक है। सो ये रहा एक न्यूमेरिकल, यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने बोला हुआ है 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप सॉल्यूशन, कितना है 214.2 ग्राम शुगर सॉल्यूशन कंटेन द 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। और पूछा क्या है कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और याद रखिए कि मॉलिकुलर फॉर्मूला जो शुगर का होता है C12H22O11 और जिसका मॉलिकुलर मास कितना है 342, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बना होता है, और हमें मोलालिटी के लिए चाहिए क्या, सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्वेंट का वेट चाहिए, हमें यही निकालना है ना। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो मोलालिटी में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे आप देखोगे, मान लेते हैं कि ये मेरा बीकर था और इसमें जो मेरा सॉल्यूशन है शुगर का, जो शुगर सिरप का जो सॉल्यूशन है वो कितना है टोटल 214.2 ग्राम, और आप देखोगे कि इसमें जो है ना शुगर कितना है 34.2 ग्राम, यानी कि शुगर जो है यही तो मेरा सॉल्यूट है, याद रखिए शुगर जो है मेरा ये सॉल्यूट है और सॉल्यूट का वेट कितना है 34.2 ग्राम, समझ में आ रही है बात। तो एक काम करो आप कि पूरे सॉल्यूशन के वेट में से अगर 34.2 ग्राम अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आपको सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये क्या हो गया, अगर सॉल्वेंट का वेट निकालना है आपको क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, किसका निकाल रहे हो आप, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना 214.8 माइनस 34.2 ग्राम, समझ में आ रही है, 34.2 तो आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा सॉल्वेंट का वेट 180 ग्राम, ठीक है। अब बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाल लिया और वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता ही है, लेकिन आपको वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं चाहिए, आपको मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, फॉर्मूला देखिए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो उस केस में आप क्या करोगे, मोल्स को इसको क्या लिख दो आप, यहाँ पे आप देखिए वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो एक बात बताइए वेट कितना है 34.2 ग्राम, तो आप लिख लीजिए 34.2 अपॉन, याद रखिए मॉलिकुलर वेट कितना है 342 अपॉन, ये तो आपका मोल आ गया ना, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मोल आ गया। और जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो सॉल्वेंट का वेट कितना निकल के है 180 ग्राम निकल के है, तो 180 आपका हो गया सॉल्वेंट का वेट, लेकिन ये ग्राम में है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.1, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.1 अपॉन 180 इंटू 1000, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपकी मोलालिटी निकल के आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, 0.55, कितना आएगा 0.55 मोलल जो है वो मोलालिटी निकल के आएगी। यानी कि आप देखोगे कि अगर 214.2 ग्राम शुगर सिरप सॉल्यूशन है और उसमें अगर 34.2 ग्राम अगर सिरप है या सिरप शुगर है, तो वो जो मोलालिटी होगी उस सॉल्यूशन की वो कितनी हो जाएगी 0.55 मोलल। आई होप समझ में आएगा आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग।